हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 6.7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कहा था इफ ए इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, वेरीफाई दैट ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। यानी कि ये जो है इनको कहता है वेरीफाई करने के लिए एंड हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, हमें ये जो वेरीफाई करने के लिए कहता है तो इनको पहले हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में हमें ए क्यूब चाहिए और ए स्क्वायर चाहिए, तभी जाके हम यानी कि ये 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 ए स्क्वायर निकल जाएगा। और पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे और फिर हम उनको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए क्यूब निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स है हमारा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 इंटू ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनका फर्स्ट रो पकड़ते हैं, बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये फर्स्ट रो पकड़ेंगे और इनके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2, और फिर ये सेकेंड रो पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1, फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, फिर इनको जो है वो हम पकड़ेंगे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2, और फिर ये माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, ये 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देयर फोर ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, देखिए 41516, यानी कि ये 6 माइनस 5 एंड ये 5, ये माइनस 5 6 माइनस 5 एंड ये 5 माइनस 5 एंड 6, ये देखिए हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू इतना फाइंड हो गया है, ठीक है। तो अब हम ए क्यूब पहले निकालते हैं। तो ए क्यूब को हम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो देखिए, हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आया 6 माइनस 5 एंड 5, ठीक है, और ये माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6 इंटू ए। ए मैट्रिक्स है हमारा 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये है। अब देखिए, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रो पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 प्लस 5 प्लस 5 एंड ये माइनस 6 माइनस 10 माइनस 5 6 प्लस 5 प्लस 10, और ये होगा माइनस 10 माइनस 6 एंड ये माइनस 5, ये सेकेंड रो पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ये 12 और ये 5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार करेंगे तो माइनस 5 माइनस 6 माइनस 10, ठीक है, ये आएगा फिर 10 प्लस 5 प्लस 6, ये माइनस 5 माइनस 10 एंड माइनस 6, एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 12, ये आ गया है। देयर फॉर यहाँ से हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब का वैल्यू ये देखिए, ये 5 5 कितना 10 होता है, 10 में 12 जोड़ेंगे तो ये 22 माइनस 21 21 एंड माइनस 21 एंड 22 माइनस 21 21, ये होगा ये माइनस 21 एंड ये 22 होगा। हम ए क्यूब का वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, हम ये 6 ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू है 6 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 एंड 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, इनको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36 माइनस 13 एंड ये 13
माइनस थर्टी, 36 माइनस 13, ये 13 माइनस 13 एंड ये 36 आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब हम 9a निकालते हैं, 9a निकालेंगे तो 9a, तो 9a निकालेंगे तो 9 इंटू ए मैट्रिक्स है हमारा 2 माइनस 1 एंड ये 1, माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2। अब देखिए इनको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हमारा होगा 18, ये माइनस 9 एंड ये 9, माइनस 9 18 एंड माइनस 9, ये हो जाएगा क्या 9 माइनस 9 और ये 18 आएगा। अब देखिए नाउ नाउ अब देखिए LHS में हमारा क्या है, LHS में है हमारा यानी कि ये a क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, यानी जब हम ये 4i निकालेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 3x3 ऑर्डर का होगा, तो ये 400 और ये 040 एंड 004 होगा। तो चलिए अब हम इन सभी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, देखिए हम LHS में ये a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i ये सभी का वैल्यू हम इतना रख दिए हैं। ये देखिए ये हमारा ये होगा 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, ठीक उसी प्रकार ये माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 9 और ये माइनस 0, ये 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0 एंड ये होगा 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 एंड ये माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0, ठीक उसी प्रकार हो जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0 एंड ये माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 और ये माइनस 0 एंड ये 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, ये देखिए ये इतना हम यानी ये सभी को हम जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा देखिए यानी कि ये 40 यानी माइनस 36 प्लस 4 ये 40 और 22 और 18 40, तो यानी कि ये हमारा टोटली क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटली कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा तो ये हमारा आएगा फाइनली 0000000000 और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4i इक्वल टू 0 प्रूव्ड। अब देखिए ये हम प्रूव कर दिए हैं, अब देखिए हम कहता है ए इनवर्स भी फाइंड करने के लिए। तो नाउ तो अब देखिए हमारा है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4i इक्वल टू 0। अब हम इनके मदद से जो है हम एक ए इनवर्स का वैल्यू निकाल देते, पहले हम दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4i इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ए इनवर्स इंटू ये देखिए ए क्यूब को हम ए इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये माइनस ये 6 ए इनवर्स इंटू ए लिख देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 इंटू ए इंटू ए इनवर्स माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को हम बताए थे ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, तो आई होता है तो आई इंटू ए स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू आई होता है यानी कि 6 आई इंटू ए प्लस इनका वैल्यू आई होता है 9 आई माइनस 4 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस 4 इनवर्स को हम इस साइड भेजेंगे तो ये 4 ए इनवर्स और बाद बाकी हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 ए प्लस 9 आए हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले हैं 4 ए इनवर्स, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं वाओ यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं क्या, तो ये निकाले हैं 6 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, ठीक है माइनस 6 इंटू ए,
तो ए का निकाले टू माइनस वन वन, माइनस वन टू माइनस वन, वन माइनस वन टू, प्लस नाइन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, अब देखिए इनका हम सॉल्व करते हैं। तो फोर ए इनवर्स, अब देखिए ये देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए सिक्स टू जा कितना होता है ट्वेल्व, ये ट्वेल्व यानी कि ये देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स और ये माइनस ट्वेल्व और ये प्लस नाइन, यानी कि हम मल्टीप्लाई करके एक ही दा हम लिख दिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस जीरो, और ये हो जाएगा फाइव माइनस सिक्स प्लस जीरो, माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस जीरो, एंड सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन, एंड माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस जीरो। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा फाइव ये माइनस सिक्स प्लस जीरो, ये माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस जीरो, एंड ये हो जाएगा सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन। अब देखिए यहाँ से जब हम ए इनवर्स निकालेंगे यानी कि देयर फोर ए इनवर्स, तो ये देखिए ये फोर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो वन बाय फोर। अब देखिए ये नाइन और सिक्स कितना फिफ्टीन होता है, फिफ्टीन में ट्वेल्व जाएगा तो ये थ्री और ये वन और ये भी माइनस वन हो गया और ये वन थ्री वन आएगा, ये माइनस वन एंड ये वन आएगा और ये थ्री, यही जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए इनका जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वह सेम टू सेम ये थ्री नंबर के ही जैसा है, तो आप लोग इनको खुद से भी प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर आपको फोर नंबर क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उनका वीडियो अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।